और काशीपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के काशीपुर का रुख करते हैं। काशीपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। काशीपुर में 4 दिन के लिए अब संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के चलते ये कदम उठाया गया है और काशीपुर की सभी सीमाएँ सील कर दी गई हैं। हल्द्वा चेक पोस्ट पर कड़ी चौकसी प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है। बिना पास के अब किसी को भी अनुमति नहीं मिल सकेगी। काशीपुर में कुछ समय के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बड़ी बात कही है। तो आपको बता दें काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, काशीपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। काशीपुर में 4 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इससे पहले 3 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन अब 1 और दिन बढ़ा दिया गया है। काशीपुर की सभी सीमाएँ पूरी तरह से सील की गई हैं। हल्द्वा चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी बरती जा रही है। साथ ही बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी। आपको बता दें सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। तो काशीपुर में कुछ समय के लिए लॉकडाउन का निर्णय प्रशासन की तरफ से लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बात कही है। जिस तरह एकदम से लगातार जो है कोरोना मरीजों में वृद्धि हुई, कोरोना मरीजों के केसों में वृद्धि हुई, उसको लेकर ये बड़ा जो है कदम उठाया गया है प्रशासन की तरफ से। पूरी खबर पर हमारे साथ यूके टीवी के स्टेट हेड मयंक मैनारी जुड़ रहे हैं। मयंक, काशीपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर स्थानीय प्रशासन हरकत में दिखाई दे रहा है। पहले 3 दिन और अब इस लॉकडाउन को 1 दिन और बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया है, इसका ऐलान किया गया है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी देखा था कि 2 दिन लगातार जो है काशीपुर शहर के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है और एक विवाह समारोह के दौरान जो है कोरोना संक्रमण अधिक फैलने की बात सामने आई है। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर 3 दिन का लॉकडाउन पहले किया था और अब उसे 1 दिन और बढ़ा दिया है, 4 दिन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है जो सरकार की उत्तराखंड में कोशिशें हो रही थी, रिकवरी रेट लगातार कम हो रहा था, इसको लेकर के सरकार खासा उत्साहित नजर आ रही थी और उसको एकदम से काशीपुर में जो बड़ी संख्या में कोरोना की, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोरोना का जो बम्प होता है, बहुत बड़ी संख्या में मरीज निकले हैं, इससे कहीं ना कहीं उन कोशिशों को भी धक्का लगा है कि जो ये प्रयास लग रहे थे कि अब जो है उत्तराखंड राज्य जो है कोरोना मुक्त हो जाएगा। बल्कि रुद्रप्रयाग सहित कुछ ऐसे जिलों की भी बात सामने आई थी जहां पर बिल्कुल कोरोना रेट बिल्कुल कम हो चुका था, लेकिन काशीपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से अब जो है कोरोना के को लेकर के सरकार और ज्यादा सतर्क रही है और इसी सतर्कता के चलते सरकार ने यहाँ पर 3 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया है और जिसके बाद उसे 1 दिन की वृद्धि और दे दी गई है। और इस तरह से सरकार जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के माध्यम से कोशिश कर रही है कि लोग कम से कम आपस में मिले और कम से कम इसका संक्रमण फैले और लोग कम से कम कोरोना के प्रभाव में आए। और अभी जो है सरकार ने रैपिड टेस्ट की भी प्लानिंग जो है काशीपुर में आज से प्रारंभ कर दी है, जिसमें आधे घंटे के बाद रिपोर्ट देने का भी की भी बात कही जा रही है कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी कहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सीएम ने ये बताया है कि कोरोना का जो रेशियो अचानक से काशीपुर में बढ़ा है, इसको देखते हुए ही वहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि अगर कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ऐसा निश्चय लगता है कि कहीं राज्य में दोबारा से फिर से लॉकडाउन की स्थिति ना बन जाए। लेकिन शहर में इस समय क्या स्थिति है? जी, शहर की स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं देखिए हम लोग स्वयं भी जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं रूल्स फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह से एक मैरिज के अंदर, एक विवाह के अंदर लोग एक साथ संक्रमित हुए हैं तो ये एक अपने आप में एक चिंता दर्शाता है और लोगों को एक दूसरे से जिस तरह से सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही थी उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है और इस तरह से तभी इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का सामने आना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ा संकट जो है प्रशासन के सामने उभर कर सामने आया है और अब प्रशासन ने सीमाओं को सील करने का भी काम किया है। हल्द्वा चेक पोस्ट को भी कल सील कर दिया गया था। हल्द्वा चेक पोस्ट पर इस समय क्या हालात है? जी 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 बिल्कुल, जैसे कि आप अगर देखें तो नैनीताल जिला उधम सिंह नगर जिले से काशीपुर रामनगर के बीच महज 30 किलोमीटर की दूरी है और ये बहुत कम, बेहद कम दूरी है। लोगों का आना जाना है, आवागमन है और रोज संबंध है, रिश्तेदारियां हैं तो लोग आना जाना आपस में करते हैं और इसी तरह से बाजपुर से कालाडुंगी विधानसभा लगती है तो कालाडुंगी में भी और रामनगर में भी सीमाओं को सील करने का काम किया गया है जिससे बाजपुर या काशीपुर से किसी भी तरह संक्रमण ना फैल सके। और नैनीताल जिला जो इस वक्त नैनीताल जिले में भी इस तरह की प्रशासन तैयारियां कर रहा है
कि किसी तरह से संक्रमण को रोका जा सके। हल्द्वा बैरियर को सील करने का काम किया गया है। अगर आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है कि आवश्यक सेवा पे ही व्यक्ति अपना आना जाना कर सकता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का योगदान सराहनीय है। प्रशासन तो अपनी ओर से पूर्ण कोशिशें कर ही रहा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना मरीज बढ़े हैं तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और काफी जो है प्रशासन की जो कोशिशें थी उनको कहीं ना कहीं धक्का भी लगा है। और कोरोना संक्रमण का जो ये मामला अचानक से उभर कर सामने आया है, इसने एक सामाजिक भय भी लोगों के बीच में इस वक्त यहाँ पर स्थानीय स्तर पर पैदा कर दिया है। मयंक, पुलिस प्रशासन और सरकार तो पूरी तरह से जागरूक दिख रही है इस मामले को लेकर, लेकिन लोगों में इसकी जागरूकता नहीं देखी जा रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे हम कह सकते हैं क्योंकि प्रशासन ने तो एहतियातन जो है पूरी सावधानी बरतने का कार्य किया है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने सामाजिक दूरी को एक तरह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सामाजिक दूरी को फॉलो नहीं किया, और जिस कारण से ये संक्रमण बढ़ा है और इस दौरान मरीजों का एकदम से उभर कर आना, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अब ये रोग जो है हमारे प्रदेश में दूर होता चला जाएगा, और मरीजों का रिकवरी रेट काफी बड़ा था। जिस तरह से लॉकडाउन एकदम जब लोगों आए थे ट्रेनों से, तो आपने देखा होगा हल्द्वानी में, देहरादून में जब लोग ट्रेनों के माध्यम से आए थे तो एकदम से रेशो अचानक से ऊपर चला गया था, और 50 से जो है हम हजारों की संख्या में आ गए थे एक्टिव केसेज में। तो लेकिन उसमें रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट भी काफी हुआ है, और मरीज काफी हद तक ठीक भी हुए हैं, कुशल होकर अपने घर भी गए हैं। लेकिन अभी काशीपुर में जिस तरह से अचानक से कोरोना मरीज एकदम से बढ़े हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, और प्रशासन को और ज्यादा इसमें अभी सावधानी करनी है और ज्यादा एहतियात प्रशासन को बरतने होंगे। जी चलिए, ये तो कहीं ना कहीं लोगों की ही कमी है, इसमें जागरूकता जो है हमें दिखानी पड़ेगी। जैसे इसमें पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह रहे हैं, केंद्र सरकार भी बार बार कह रही है, राज्य सरकार भी कह रही है कि हमें सामाजिक दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, और हमें बाहर के खान पान से भी बचना है, और इस तरह से हमें किसी भी तरह से संक्रमण को अपने आप को संक्रमण से नहीं आने देना है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी एक जो बताया जा रहा है मूल में, वो ये बताया जा रहा है कि कोई एक ऐसा कोरोना संक्रमित मरीज उस विवाह समारोह में शामिल शायद रहा होगा, जिससे ये अन्य लोग भी संक्रमण में आ गए हैं, और एक ही विवाह समारोह से 20-22 लोगों का एक साथ निकल आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। चलिए, हम भी ये आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा शहर काशीपुर पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो और लोगों में जागरूकता लगातार बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, इस खबर पर हमसे ज्यादा बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।